हत्या का खुलासा किया है सर, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? देखिए 15/8/2023 को एक अज्ञात महिला का शव मिला था, रोहता जाने वाला जो रोड है वहाँ पर और नगला प्रताप सिरौली कट है वहीं पर मिला था। उसके शिनाख्त के क्रम में रेखा के नाम से शिनाख्त हुई जो कि इंदिरा कॉलोनी थाना शाहजहांपुर की रहने वाली थी। इस क्रम में उनके बहन के द्वारा तहरीर दी गई है कि मलपुरा के डमडम चौराहे से ये 15 तारीख को ही सुबह लेके गए थे। ये पति इसका था आकाश और उसका एक मित्र था करण, ये दोनों लेकर के गए थे और स्कूटी पर ही ले गए थे। बीच में महिला थी, पति ने एक दिस्ता था उससे इस घटना को पारित किया था और महिला के शव वहीं पर छोड़ करके निकल गए थे वहाँ से। इसमें इस जो सह अभियुक्त है इसमें करण पुत्र नंद किशोर, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। ये भी इंदिरा कॉलोनी का ही रहने वाला है और इसी के निशानदेही पर अलग तो बरामद किया गया है। तो पति और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कारण क्या निकल गया है? देखिए इसमें जो मृतिका थी उनके ही मोहल्ले के किसी व्यक्ति के साथ बातचीत वगैरह होती थी, उस शक के बिना पर पति ने घटना कर दी। सर किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया? देखिए ये जो उनकी बहन थी मृतिका की, उन्होंने बताया कि ये डमडम चौराहे से अपने साथी के साथ आए थे, स्कूटी पे लेके गए थे। स्कूटी जो है करण चला रहा था जिसको भी गिरफ्तार करके हम जेल भेजना। बीच में मृतिका थी और पीछे उनके पति बैठे थे और वहीं पे जो दिस्ता है उससे इन्होंने घटना को पारित किया और उनके शव को वहीं छोड़ के चले गए। ठीक है।